हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT क्लास 7 का चैप्टर 6, 7 और 8, ओके, मैथ का चैप्टर 6, 7 और 8 का हम लोग यहां पर MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए और अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए चैप्टर 6 का नाम है अनुपात एवं समानुपात। पहला क्वेश्चन देखिए, 4 का 3 से अनुपात होगा। तो देखिए 4 का 3 से क्या अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है 4:3, दूसरा ऑप्शन है 3:4, तीसरा ऑप्शन है 4:7 और चौथा ऑप्शन है 3:7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 4:3। देखिए 4 का 3 से अनुपात 4:3 होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, 5 का 50 पैसे का अनुपात होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5:20, दूसरा ऑप्शन है 25:1, तीसरा ऑप्शन है 1:25 और चौथा ऑप्शन है 20:5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 25:1, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर की ओर, 1 लीटर का सही मान होगा। तो देखिए 1 लीटर का सही मान क्या है। पहला ऑप्शन है 100 मिलीलीटर, दूसरा ऑप्शन है 1000 मिलीलीटर, तीसरा ऑप्शन है 10000 मिलीलीटर और चौथा ऑप्शन है 10 मिलीलीटर। तो इसका सही आंसर है, बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर, 4 kg का 500 ग्राम का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन देखिए 8:1, दूसरा ऑप्शन है 4:1, तीसरा ऑप्शन है 1:8 और चौथा ऑप्शन है 1:4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 8:4 इसका सही आंसर होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60 सेंटीमीटर का 2 मीटर का अनुपात होगा। तो देखिए 60 सेंटीमीटर का 2 मीटर का अनुपात निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 3:10, दूसरा ऑप्शन है 10:3, तीसरा ऑप्शन है 3:1 और चौथा ऑप्शन है 4:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3:10, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, 4:12 = 20:x, तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर एक्स का मान हम लोगों को निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 48, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 60, चौथा ऑप्शन है 240। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 60। यहाँ पर एक्स का वैल्यू 60 होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, 2 अनुपात समान होने पर उसे खालिस्तान अनुपात कहते हैं। तो देखिए अगर 2 अनुपात समान है तो उसे कैसा अनुपात कहते हैं। पहला ऑप्शन है विषम अनुपात, दूसरा ऑप्शन है तुल्य अनुपात, तीसरा ऑप्शन है भिन्न अनुपात और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, तुल्य अनुपात कहा जाता है अगर 2 अनुपात समान रहे तो। इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 6 का MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 7 की ओर, चैप्टर 7 का नाम देखिए एक एक नियम। एक एक नियम में मात्र हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 40 रुपये में 1 किलोग्राम आम मिलता है, तो 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा। पहला ऑप्शन देखिए 2 kg, दूसरा ऑप्शन है 3 kg और तीसरा ऑप्शन है 4 kg और चौथा ऑप्शन है 5 kg। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 kg मिलेगा। यहाँ पर kg है, ओके, 3 kg मिलेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर, 10 कलम का मूल्य ₹50 है, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। पहला ऑप्शन है ₹150, दूसरा ऑप्शन है ₹75, तीसरा ऑप्शन है 750 और चौथा ऑप्शन है ₹500। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ₹75 लगेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, 1 लीटर दूध का मूल्य ₹35 हो तो 5 लीटर दूध का मूल्य होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 लीटर दूध का मूल्य ₹35 है तो 5 लीटर दूध का मूल्य बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 170, दूसरा ऑप्शन है 175, तीसरा ऑप्शन है 165, चौथा ऑप्शन है 145। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ₹175 होगा 5 लीटर दूध का मूल्य, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला चैप्टर की ओर, हमारा अगला चैप्टर देखिए चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है प्रतिशतता या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रतिशत। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 12/50 का प्रतिशत होगा, तो 12/50 कितना प्रतिशत है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 20%, दूसरा 12%, तीसरा 50% और चौथा 24%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा,
12/50 को अगर हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो 24% तो होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर। 4/5 का प्रतिशत तो होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन है 0.8%, तीसरा 0.08%, और चौथा देखिए 80%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 80% तो होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 25/5% होगा, तो 25/5% कितना होगा वो बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 5 होगा, दूसरा 4/5, तीसरा ऑप्शन है 125, और चौथा ऑप्शन है 5/4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 5/4 होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, एक्स का 40% = 200 है, तो एक्स का मान होगा, तो एक्स का मान निकालना है हम लोगों को। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 500, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 500 होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 3:2 का प्रतिशत होगा, तो 3:2 का प्रतिशत निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 150%, दूसरा ऑप्शन है 66.2/3%, तीसरा ऑप्शन है 60%, और चौथा ऑप्शन है 40%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 150% होगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, 40% होगा, तो 40% बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 80, दूसरा ऑप्शन है 160, तीसरा ऑप्शन है 1600, और चौथा ऑप्शन है 16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 40% का मतलब होता है 16। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, 1200% होगा, तो 1200% बताना है। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 600, तीसरा ऑप्शन है 1250, और चौथा ऑप्शन है 6000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 600 होगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, 20% होगा, तो 20% क्या होगा वो बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 0.2 या फिर 0.2 हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है 0.4, तीसरा ऑप्शन है 0.5, और चौथा ऑप्शन है 0.6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ पर होगा आंसर 0.2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 0.2। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। देखिए 40% होगा, तो 40% कितना होगा वो बताना है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 12, और चौथा ऑप्शन है 1200। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 12 होगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 25% का भिन्न रूप होगा, तो 25% का भिन्न रूप बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/4, और चौथा ऑप्शन है 1/6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 1/4। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग आज JCERT क्लास 7 का मैथ का चैप्टर 6, 7 और 8 का MCQ कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।